Assalamu alaikum, my good citizen. I hope so you all will be fine and safe. Let's open your self-society worksheets. Today we are going to start page number 12 and the topic is positive relationships. आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का मतलब है अच्छे ताल्लुकात. ओके, चलिए सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड आवर लेसन विद एन फोनिक्स. ओके, P A P I C positive. Magic man last में silent होता है. Positive. R I R I L A L A T I O N. T I O N एक साथ आ जाए तो आपको मालूम है ना इसको हमने क्या बोलना है. इसको हमने बोलना है शन, शन, शन. R I R I L A L A Shun relation ship 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 ships ships relationships word word word. वैसे तो ओ और यू सेंटर में आए तो हम उसको आउ बोलते हैं, लेकिन ये कंडीशन को ज़रा गौर से देखें कि सेंटर में ओ और यू है, उसके बाद एल है और उसके बाद डी आ रहा है. तो हमने इस कंडीशन में क्या करना है, शुरू में उसके आगे ओ और यू हो, सेंटर में एल हो और लास्ट में डी हो. तो एल क्या होता है? साइलेंट होता है. एल को हम नहीं बोलते क्योंकि वो साइलेंट होता है, वो खामोश होता है. और ओ और यू को हम ओ में चेंज कर देते हैं. व उ ड वुड, य उ यू, र इ री, ट अ र टर री टर, न रिटर्न, एन एन, ए र ए रे, ए रे, स अ रेजर, रेजर, ट उ टू, अ को अकेला पढ़ना है, र ए रे को एक साथ पढ़ना है आपने, फिर स अ रेजर को एक साथ पढ़ना है. ट उ टू, य उ यू, अ र अर यर, फ र फर, एन एन, फ्रेंड, friend. If if, her e he, her ad had, for or for, go to god for god, to an ten, for or for, go to god, to an ten, for gotten, to to ake take. यहाँ देखिए magic मैंने vowel का sound छीन लिया. वैसे ए का साउंड क्या है? ए वाउल ही है ना. जी हाँ, ये वाउल है. और ए का साउंड क्या है? ए. लेकिन मैजिक मैन एक कॉन्सोनेंट के बाद खड़ा था तो उसने क्या किया, उसने ए से उसका साउंड ले लिया तो उसका पीछे क्या बचा? नेम. जी हाँ, ठ ए क टेक, इट इट, व इ वी, ड शुड. सेम कंडीशन चेक करें ज़रा. ओ और यू पहले आया, फिर एल आया और फिर डी आया. हमने इसमें क्या किया, ओ और यू को ओ में चेंज कर दिया और एल को साइलेंट, क्योंकि एल खामोश हो गया. एल इनके दरमियान खुश नहीं रहता, इसलिए एल बोलता कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट होकर खड़ा हो जाता है, खामोश होकर. ओके, श उ ड शुड. ब बी, ओ से पहले एच आए तो वो क्या होता है? साइलेंट लेटर. ठीक है ना, साइलेंट लेटर है एच, तो हम एच से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने बुलाया है बहुत ज़्यादा. मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर साउंड, ये नहीं बोला, बिल्कुल खामोश रहा, साइलेंट रहा. तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमें अपना नेम एंड साउंड बहुत अच्छे से बता रहा है. अ न ऑन, एस एस, एस एस ऑन, एस ट ऑनेस्ट. ओके, वी शुड बी ऑनेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी रीडिंग. आपने बिल्कुल इसी तरह अपनी रीडिंग फोनिक्स के साथ करनी है. चले आए देखते हैं कि इस सभी जो हमने रीड आउट ये किया है, ये पूरा पेज जो इसमें वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं. पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, अच्छे ताल्लुकात. वुड यू रिटर्न एन इरेजर टू योर फ्रेंड इफ ही हैड फॉरगॉटन टू टेक इट. क्या आपको अपने दोस्त को रेजर, उसकी रेजर वापस करनी चाहिए अगर वो लेना भूल गया है? अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई चीज़ दी है, रेजर या कुछ और,
अगर उसको भूल गया है आपसे लेना, तो क्या आपको चाहिए कि आप उसे वापस करें? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहुत ईमानदार इंसान हैं और अच्छे मुसलमान हैं, और जो अच्छे मुसलमान हैं वो दूसरों की चीज़ों को रखते नहीं हैं अपने पास। अगर कोई भूल जाए तो भी उसकी संभाल कर चीज़ रखते हैं और उसको रिटर्न करते हैं। तो इसलिए हमारी चॉइस क्या होगी, टेक द राइट चॉइस। हमारी चॉइस क्या है कि रिटर्न करना चाहिए? जी हाँ रिटर्न करना चाहिए। यस नो, हम टिक करेंगे यस को, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे मुसलमान हैं और हम एक गुड सिटीज़न, गुड फ्रेंड्स हैं। तो हमारा जो गुडनेस है वो यही है कि हम अपने फ्रेंड को उसकी रेज़र वापस करें अगर वो भूल जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट है वी शुड बी ऑनेस्ट। वी शुड, हमें चाहिए बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ठीक है। अच्छे मुसलमान बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का आपका लेसन यही था, आपने इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, ओके, विद एन फोनिक्स, एंड नेवर फॉरगेट टू राइट योर नेम एंड डेट इन द बॉटम ऑफ योर पेज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।